बिलासपुर डीसी ने सोमवार को हिमिरा दिव्यांग कैंटीन का शुभारंभ किया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनी इस कैंटीन को 5 दिव्यांग लोगों को चलाने के लिए दिया गया है। इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये सभी चाय, नाश्ता और लंच तैयार कर आसपास के सरकारी ऑफिसों में पहुंचाएंगे, जहां आए दिन बैठकें होती हैं। इस अभिनव प्रयास से इन दिव्यांगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि वे स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री कर अतिरिक्त आय भी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। आज दिनांक 1 जनवरी को हमने एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम उपायुक्त कार्यालय के इस कैंपस में एक दिव्यांग कैंटीन का शुरुआत करें, जिससे कि एक हमारे जो दिव्यांग हैं, जिनको सच में ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो अपना एक लाइवलीहुड का एक मतलब अपना आजीविका का एक साधन बना सकें। उसमें हमारी तरफ से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत लगभग 3 लाख रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई थी निदेशालय से, जिसके अंतर्गत हमने इस कैंटीन का निर्माण किया। और हमारा एक दिव्यांग जनों का एक ग्रुप है 5 व्यक्तियों का, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, तो वो ग्रुप को हमने एक आजीविका साधन देते हुए इसमें जोड़ा। और आज की डेट में अब ये जो शुरुआत हुई है हमारी तरफ से, हम आशा करते हैं कि आगे बहुत आगे बढ़ेगी और इनको अपने परिवारों को आर्थिक सुदृढ़ बनाने के लिए, अपना एक मानसिक जो समाज में एक होता है कि उनको सहायता मिले, सहयोग मिले, उसमें एक ये कैंटीन जो है मील का पत्थर साबित होगी। विकास विभाग द्वारा और DRD के तत्वाधान से हमारे जितने भी विकास खंड हैं, उनमें भी ऐसी ही कैंटीन जो है खोली जा रही है, जिसमें कि दिव्यांग को प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा जो हमारे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी हम जोड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक जो मीरा कैंटीन जो है, वो मार्कंडेय मंदिर जो है हमारा यहाँ पे बहुत फेमस, वहाँ पे खुली है। इसके अलावा हमारा जो ये हिमीरा प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको पता होगा कि पिछले वर्ष को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहे थे। हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं DRD के माध्यम से, जैसे दिशा की मीटिंग होती है माननीय सांसद महोदय के उसमें अध्यक्षता में, उसमें भी हम मिलेट्स के प्रोडक्ट्स, जैसे मिलेट की हमारी बाजरे की बर्फी या लड्डू हमारे कोदा के या कोदे की चाय, वो हम सप्लाई करते हैं। इवन माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश हैं कि हम सभी विभाग जो है, जब उनकी मीटिंग्स होती हैं या कुछ भी होता है, उसमें भी इस मिलेट की चाय को हम प्रोत्साहन दें, और जितना भी हो सके तो इन ग्रुप्स जो है वो हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो सभी विभागों को भी हमारी तरफ से, DC साहब की तरफ से आधिकारिक रूप से एक पत्र चला गया है, जिसमें कि सभी विभागों को ये निर्देश है। धन्यवाद।